English. Today we are going to learn the use of this, that, these and those. Students, we use this for pointing near objects singular. Yani this ka use jo pass mein cheeze hoti hain unke liye hum karte hain. Jaise this is my friend, yani mera friend pass mein hoga mere. This is my book, yani यह मेरी किताब है, यानी बुक भी मेरे पास में ही होगी. एंड स्टूडेंट दैट फॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सिंगुलर, और जो चीज़ें बच्चों दूर में होती हैं और सिंगुलर होती हैं उनके लिए हम दैट का यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज ए फैन, यानी हमारे क्लास में जो फैन होगा वो हमसे दूर होगा, इसीलिए हम वहाँ दैट का यूज करेंगे. दैट इज़ माई मदर, वह मेरी माँ हैं. इसका मतलब मदर थोड़ी दूर पे खड़ी हैं, इसीलिए वहाँ पे दैट इज़ माय मदर कहा गया है. बच्चों उसके बाद दीज फॉर नियर ऑब्जेक्ट प्लूरल, यानी बच्चों दीज जो है दिस का प्लूरल होता है, और दीज के साथ हम बच्चों आर का यूज करते हैं और दोज के साथ भी आर का यूज करते हैं. जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है आर, उसको हम दीज और दोज दोनों के साथ करते हैं, लेकिन दीज नियर ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं जो प्लूरल हो. जैसे दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं. दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं. उसके बाद बच्चों दीज का हमने यूज कर लिया, दिस का भी यूज कर लिया और दैट का भी. अब बच्चों दैट का जो प्लूरल होता है वो दोज होता है, और दोज का यूज हम करते हैं फॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए और जो प्लूरल होती है. जैसे फॉर एग्जांपल दोज आर बॉयज़, वे लड़के हैं, यानी लड़के प्लूरल हैं और वो हमसे थोड़ी दूर हैं. दोज आर टॉयज़, वे खिलौने हैं, यानी जो खिलौने हैं बच्चों हमसे दूर हैं, इसलिए हमने उसका यूज किया है. स्टूडेंट्स, हमारा इस वीडियो का बनाने का मेन मोटिव है आपको करेक्ट इंग्लिश सिखाना, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश. हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.